हमारे देश के कुछ ऐसे समझदार स्टेट कह सकते हो हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, नागालैंड, ऐसे ऐसे कुछ हमारी स्टेट हैं जो काफ़ी समझदार हैं, जिन्होंने जितने भी ये फैंटेसी ऐप है, ड्रीम इलेवन, MPL, माई इलेवन सर्कल, इन सबको बैन करके रखा है, इलीगल करके रखा है कि भाई ये सब यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। बट यार और सारे स्टेट में आप ये सारे जो गेम्स हैं, MPL और ड्रीम इलेवन, ये सब आसानी से खेल सकते हो, कोई भी पाबंदी नहीं है। बट यार यहाँ पे अगर कोई ऐसा जुआ टाइप का या गैम्बलिंग टाइप का चलता है कि भाई अगर पैसे लगा के कुछ लोग अपना नसीब आजमा रहे हैं या खेल रहे हैं, तो उसको भाई इंडिया में पूरी तरह से इलीगल माना जाता है, सट्टेबाजी माना जाता है। कोई ताश खेल रहा है तो भाई उसको पुलिस वाले पकड़ के पीटने लगते हैं। बट MPL, ड्रीम इलेवन पे यहाँ पे लोग हजारों रुपये, लाखों रुपये खुलेआम लगाते हैं, लोग हजारों लाखों करोड़ों यहां पे जीतते हैं, तो इनको कोई नहीं बोलता। बट यार यहां पे लकली कुछ हमारे स्टेट हैं जो इस चीज को मानते हैं कि ये इलीगल है। अब भाई यहां पे ये बात बताओ कि आंध्र प्रदेश या असम, उड़ीसा, नागालैंड, जो भी स्टेट है, जितने भी, सबका नाम नहीं मुझे मुझे पता है, तो भाई ये लोग मानते हैं कि ये इलीगल है और ये लोग मानते हैं कि ये गैम्बलिंग में आता है, इसमें कैश कॉन्टेस्ट नहीं खेला जा सकता, अपना पैसा डाल के नसीब आजमाना या कुछ भी यहां पे नहीं किया जाता, मतलब ये स्टेट मानते हैं कि इलीगल है, ये गेम्बलिंग में है, तो मतलब ये है तभी इन्होंने ऐसा किया है। बट हमारे जो और स्टेट हैं इनको नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली बात तो भाई मतलब ये जो जितने भी कंपनी है, ड्रीम इलेवन, MPL, ये सब जो इंडिया गवर्नमेंट का लॉ है, इसको या थोड़ा सा मतलब कह सकते हो बाईपास कर सकते हो करके, या थोड़ा सा उसमें लूप होल खोज के ये लोग अभी अपना बिजनेस चला रहे हैं, जहाँ पे भाई थोड़ा सा अगर सट्टाबाजी कर लो, गैम्बलिंग कर लो, पैसे से लगा लो तो इलीगल माना जाता है। बट यहाँ पे हजारों रुपये, लाखों रुपये लगाओ, कोई नहीं पूछने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई देखो कैसे ये लोग लूप होल ढूंढ लेते हैं। जैसे भाई कहा जाता है कि अगर पैसे लगा रहे हो तो भाई वहां पे अपना नसीब आजमा रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो गैम्बलिंग में आता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। बट यहाँ पे ये लोग कहते हैं भाई एलिमेंट ऑफ स्किल, ऐसा एक टर्म दिया है कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ पैसे नहीं लगाते हैं, लोग लगाते हैं यहाँ पे, लोग अपना टैलेंट भी लगाते हैं, अपना दिमाग भी लगाते हैं, सोच समझ के यहाँ पे पूरे तरीके से खेला जाता है। तो ये जो टर्म है एलिमेंट ऑफ स्किल, मतलब यहाँ पे अपना दिमाग भी लगाया जा रहा है, उसके बाद पैसे यहाँ पे जीता जा रहा है, इसी चीज़ को ये लोग मतलब एक छोटा सा लूप होल खोज के, और इसी वजह से इंडिया गवर्नमेंट इसको परमिशन दी है और ये लोग अपना बिजनेस ड्रीम इलेवन, MPL ये लोग चला रहे हैं। बट जो हमारे और स्टेट है, कुछ स्टेट जो मैंने आप लोग को बताया, ये इन चीज़ को नहीं समझते हैं, इन लोग को नहीं मानते, कहते भाई है तो है, वो गैम्बलिंग में आता है, आता है, इसमें कौन सा है भाई, है अब आज विराट कोहली खेलेगा, कल रोहित शर्मा खेलेगा, कौन बता सकता है भाई इसमें तुम कौन सा स्किल है तुम्हारे पास, क्या विराट कोहली ने कह गया भाई आज नहीं मारूंगा कल मारूंगा, ऐसा कुछ हो सकता है भाई? हो सकता है विराट कोहली आज मारे कल आउट हो जाए, तो ये तो आपके नसीब के ऊपर है ना, यही होता ही है। तो और सारे स्टेट को ये बात पता है, बट और सारे स्टेट को बस ये लूप होल ढूंढ लिए हैं। और दूसरी बात भाई, 30% जो अगर 10,000 से ज़्यादा अगर आप इन गेम में जीत जाते हो तो उसका 30% इन गवर्नमेंट को भी जाते, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो है, इन गवर्नमेंट को भी दिया जाता है। तो भाई क्यों नहीं ये लोग अलाउ करेंगे? अब अगर कोई 1 करोड़ रुपये जैसे उसमें होता है ना मेगा कॉन्टेस्ट, तो अगर भाई उसमें कोई 1 करोड़ रुपये जीत जाता है तो भाई 30 लाख रुपये, समझ रहे हो, हर रोज मतलब एक सिर्फ कॉन्टेस्ट से मतलब कोई 1 करोड़ जीतता है तो 30 लाख रुपये गवर्नमेंट को जाता है। तो भाई अब गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहेगा दुनिया भर में जाए, लोगों का पैसा बर्बाद जाए? मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप लोग कहेंगे भाई तुझे क्या दिक्कत है? भाई है, मुझे दिक्कत है यहाँ पे अधिकतर लोगों का, आप लोग को नहीं पता बट यार अधिकतर लोगों का यहाँ पे पैसा डूबता है। कुछ 0.1% लोग ऐसे होते जिनको प्रॉफिट मिलता, नहीं तो यहां पे भाई मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस का पैसा डूबता है। और यहां पे कितने टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं, होते भी हैं, आप लोग को अंदाजा भी नहीं है। तो भाई मैं तो इसके खिलाफ हूँ, आप लोग का पता नहीं, मुझे यही बताना था भाई कि वहाँ पे कुछ स्टेट में क्यों बैन है, कुछ स्टेट में क्यों नहीं बैन है, इसके पीछे गवर्नमेंट भी क्या सपोर्ट क्यों मतलब नहीं, मतलब उतना ज़्यादा छानबीन नहीं करना चाहती है, क्योंकि पैसे भी मिलते हैं ना। तो ये सब बात है यहाँ पे। अगर और भी कुछ अगर आप लोग पूछना है तो भाई कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई। मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।